your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. What is up YouTube, back again and ये और एक vlog होने वाला है और आज हम जा रहे हैं simply घूमने के लिए, कोई काम वाम नहीं है। हम जा रहे हैं एक मस्त बीच पे जो कि इंडिया का पहला वर्जिन बीच है जो मुझे न्यूज़ में मिला, तो चलिए आपको लेके चलते हैं। अभी हम है बेलगुरिया एक्सप्रेस वे पे, तो यहाँ से सीधा वो डनकुनी वो गंगा क्रॉस करके फिर डनकुनी टोल क्रॉस करके फिर हमें लेफ्ट लेना होगा और फिर सीधा चलते जाना है। तो चलिए हम दोनों निकले हैं और चलिए चलते हैं। आपको रास्ते में बहुत कुछ दिखेगा। Later. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बार मैप दिखा देता हूँ। ये रहा बेलगुरिया एक्सप्रेस वे जहाँ से हम निकले हैं और सीधा रिवर क्रॉस करके ये डनकुनी से लेफ़्ट लेना है, फिर ये मेन रोड पकड़ के चलते जाना है। ये एक्सप्रेस वे है, चेन्नई कोलकाता एक्सप्रेस वे, तो यहीं पकड़ के जाना है और फिर टाइम लगेगा, 5-6 घंटा लगता है और रास्ता भी हर जगह ठीक ठाक नहीं है। तो ये रहा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर जो कि वेस्ट बंगाल में दातन नाम का एक जगह है उसके बाद आएगा और बॉर्डर क्रॉस करते ही फिर आएगा जालेश्वर जो उड़ीसा में है। तो वहाँ पे कोई बॉर्डर पे चेक पोस्ट नहीं है, कोई चेकिंग वगैरह की झंझट नहीं है, तो आप बिंदास जा सकते हो। वो लास्ट में जो एक टोल आएगा उसके बाद ही बॉर्डर है और वही बॉर्डर में है शायद, तो बिंदास जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में कहीं पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, काम चल रहा है, उसके लिए आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन रास्ता एकदम सीधा है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं ये कैंपुकियर में। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कॉटेज है, वो इतने अटैच बात है
ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो आते ही यहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक्स मिलता है, ये दो नारियल पानी हमको मिला दोनों के लिए, जो मैं दोनों ही पीने वाला हूँ, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। उसके बाद अभी हम लंच करेंगे, फिर आपको पूरा कैंप घूम के दिखाएंगे, फिर बीच पे जाएंगे। तो पहले हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बैठे हैं खाने के लिए, जगह काफ़ी अच्छी है आपको दिख रहा है। तो अभी खाना आने वाला है, फिर देखते हैं कितना टेस्टी होता है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमारा खाना आ गया, ये है राइस और ये है चटनी, ये पोटैटो फ्राइज दाल, और ये चिकन, और ये सेम ये सैलेड। और साथ में सैलड भी है, काफ़ी अच्छे से तैयार किया हुआ है। तो अभी टूट पड़ते हैं खाने पे, अभी हम शुरू करते हैं पापड़ से। ये दाल काफ़ी अच्छा है, मुझे लगा थोड़ा सा नमक कम है, लेकिन अच्छा है, टेस्टी है। ये दाल के साथ फ्राइज बहुत अच्छा लगा, टेस्टी है खाना, टेस्टी है। अभी चिकन ट्राई करते हैं। चिकन भी मस्त है, खाने का मज़ा आ गया। आपको एक्स्ट्रा सब कुछ मिलेगा, राइस दाल फ्राइज चिकन सब एक्स्ट्रा मिलेगा। तो फिर खाना पीना हो गया, अभी हम निकल पड़े हैं बीच के लिए, और यहाँ से चल के जाना पड़ेगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। और ये जगह एकदम मस्त है, आजू बाजू में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, देखो यहाँ से एक जगह है कहीं जाने का पता नहीं, हम यहाँ से सीधा जाएंगे। ये चारों तरफ ये बड़े बड़े पेड़, कितना मस्त लग रहा है। We'll be driving down state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Dropped out without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But it's too weak to it's sleeping soon. तो अभी इवनिंग का टाइम है, 6:30 हो रहा है, और हमें मिला है ये चाय और साथ में ये पकोड़ा, ये प्याज से बना हुआ है शायद, प्याज पकौड़ी जो भी है, और साथ में ये टिश्यू मिला है। तो ये है शाम का नाश्ता, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अलग से ऑर्डर भी दे सकते हैं, वो बारबेक्यू वो वगैरह होता है, चिकन पकोड़ा भी होता है, लेकिन वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन ये सब
वो पैकेज में आता है, तो ये हम टेस्ट करके देखते हैं। चलो अभी टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही अच्छा है। वैसे प्याज से जो बना होता है पकौड़ी वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये आपको वैसा नहीं लगेगा, एकदम कड़क है। कैसा? एकदम मस्त है। अभी चाय पी के देखते हैं। गुड, अच्छा है। ये ट्रे में सर्व किया है, साथ में शुगर दे दिया है प्लेट में, आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं। और अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं और बाहर धनाधन बारिश शुरू हो गई है। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ऊपर। ये ऊपर जो है ये एक कलर किया हुआ कपड़ा है, उसके ऊपर एक टीन है, वो वहाँ से आवाज़ आ रही है। मस्त लग रहा है यहाँ से, शायद आपको आप लोगों को सुनाई दिया होगा। और हम अभी यहाँ बैठे हैं और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, वो भी ये ब्लूटूथ स्पीकर के साथ। ये मेरा कैंपिंग स्पीकर है, जहाँ भी जाता हूँ और जगह लेके जाता हूँ। तो हम दोनों यहाँ बैठ के, मतलब लेट के, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और ऊपर में जो आवाज़ आ रही है बारिश की, मस्त लग रहा है। और यहाँ से मैं आपको एक बार बाहर का सीन दिखा देता हूँ। अपनी खोली में बैठे हुए, ये देखो खोली, कब से अपने से एक सफेद बाल के पीछे पड़े रहा है, ये छोड़ी पागल है। चलिए आपको थोड़ा रूम का टूर करवा देता हूँ। ये है दरवाज़ा और ये नीचे फ्लोर पे नाइस कवरिंग दिया हुआ है जो कि एकदम क्लीन है। हमें ये शूज़ सैंडल पहन के नहीं आना चाहिए था, लेकिन हम गलती से अंदर आ गए तो यहीं पे कॉर्नर पर रख दिए। और ये हमारा बैग है और वो कॉर्नर पे एक डस्टबिन है और यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे छोटे घर में सिर्फ ये फैन है और कुछ नहीं है, तो वो अंदर का जो जो हीटेड एयर है वो बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कोई विंडो नहीं है, तो आपको दिख रहा है ये साइड है। और ये जो बेड है ये काफ़ी बड़ा है, एक्चुअली ये 2 लोगों के लिए है, लेकिन 3 लोग यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और एक फ़ैन वहाँ पे है जो मैंने सेट कर लिया, मैं उस साइड पे सोने वाला हूँ तो वहाँ पे सेट किया। और एक दूसरा फ़ैन यहाँ पे है, ये मैडम जी के लिए, एकदम बाजू में लेके बैठे हैं। मस्त हवा चल रहा है। और इस साइड पे यहाँ पे है बाथरूम जो कि छोटा है लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन है, और शावर भी है, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो है यहाँ पे इन लोगों का हॉस्पिटलिटी, जो बहुत ही बढ़िया है अभी तक जो मुझे लगा। तो ये है हमारा रूम।